हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 1 से 12 दिसंबर तक के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार देश की किस विश्वविद्यालय के साथ डॉक्टरल प्रोग्राम यानी PhD के लिए करार किया है? तो यह करार किया है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के साथ, जो कि रोहतक में स्थित है। वहीं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति है राजबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी एंड एग्री एक्सपो 2019 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लुधियाना के जगराव में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी एंड एग्री एक्सपो में हिसार की भैंस सरस्वती ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सरस्वती किस नस्ल की भैंस है? तो सरस्वती मुर्रा नस्ल की भैंस है, और वही मुर्रा नस्ल की भैंस को हरियाणा में काला सोना भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी एंड एग्री एक्सपो में हिसार की मुर्रा नस्ल की भैंस सरस्वती ने कितना दूध देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो सरस्वती ने 32.66 लीटर दूध देकर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वही सरस्वती ने 32.66 लीटर दूध देकर किस देश की भैंस का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो पहले यह रिकॉर्ड था पाकिस्तान की एक भैंस के नाम, जिसने 32.50 लीटर दूध देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस की फोरेंसिक लैब कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है मधुबन करनाल में। वहीं फोरेंसिक लैब की स्थापना 1973 में रोहतक में की गई थी। स्टार्टिंग में इसकी स्थापना रोहतक में की गई थी। वहीं 1976 में इसे मधुबन करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। तो आपको ये दोनों डेट याद रखने, दोनों ईयर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरेंसिक साइंस लैब को बार कोड से जोड़ने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बन गई है? तो यह बनी है हरियाणा पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस कॉम्प्लेक्स में फोरेंसिक साइंस लैब को बार कोड से जोड़ने वाले बार कोडिंग सिस्टम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसके उद्घाटन किया गया CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। वही पहले क्या व्यवस्था होती थी? पहले होता था कि जो भी सबूत लैब में भेजे जाते थे उसके साथ FIR की डिटेल होती थी, आरोपी की डिटेल होती थी, पीड़ित की डिटेल होती थी। तो ऐसे में सबूत के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका बनी रहती थी। लेकिन अब क्या होगा, हर सबूत को बार कोड से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें लैब में यह पता नहीं लगेगा कि इस केस का आरोपी कौन है या केस कौन सा, इसका जांच अधिकारी कौन है। तो इस तरह से इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और बार कोड के हिसाब से ही रिपोर्ट बनेगी और उस केस से जुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 दिसंबर को। पंचकुला में आयोजित इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CMO में क्या बनाए जाने की घोषणा की है? तो CMO में एंटी करप्शन सेल बनाए जाने की घोषणा की गई है। और वही इसी के साथ घूस देने वालों के खिलाफ कानून बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MDU के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने किससे बायो इथेनॉल बनाने के शोध में कामयाबी मिली है? तो रद्दी कागजों से बायो इथेनॉल बनाने के शोध में कामयाबी हासिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2019 को कौन सी गीता जयंती मनाई गई? तो 8 दिसंबर को 5157वीं जयंती मनाई गई। वहीं इस बार गीता जयंती महोत्सव पर पार्टनर कंट्री कौन सी रही? तो इस बार कोई भी पार्टनर कंट्री नहीं रही है। हमने नवंबर की करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस किया था कि इस बार पार्टनर कंट्री रहेगी नेपाल, लेकिन लास्ट तक कोई भी आम सहमति ना बन पाने के कारण नेपाल इस बार पार्टनर कंट्री नहीं रही और कोई भी पार्टनर कंट्री इस बार नहीं बन पाई। तो ये लास्ट तक था कि नेपाल को पार्टनर कंट्री बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन पर आपको खास तौर पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मार्च में ऑस्ट्रेलिया में और जुलाई 2020 में कनाडा में। वही अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार देश से बाहर गीता जयंती का कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था मॉरिशियस में, जो कि फरवरी 2019 में किया गया था। और वही अगस्त 2019 में UK में यूनाइटेड किंगडम में भी इसका आयोजन किया गया था। तो अगले साल मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया में और जुलाई 2020 में कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी के किनारे
हरियाणा और यूपी के कितने जिलों के बीच 9265 एकड़ का जमीन विवाद चल रहा है? तो यह विवाद चल रहा है हरियाणा के 6 जिले और यूपी के 4 जिलों के बीच में। यह हरियाणा के 6 जिले हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, यानी जिस जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। और वहीं यूपी के 4 जिले बागपत, शामली, सहारनपुर और गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1974 में हरियाणा और यूपी में यमुना के सीमा विवाद को लेकर किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई? तो यह कमेटी बनाई गई थी रिटायर्ड जज उमा शंकर दीक्षित की अध्यक्षता में, और आपको ये ईयर भी याद रखना है 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया ने नवंबर 1974 और जनवरी 1975 के बीच यमुना की मुख्य धारा तय की, इसके आधार पर सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया दीक्षित अवार्ड। और ये रेफरेंस पिलर भी लगाए गए, दोनों जो आपकी यमुना नदी है उसकी मुख्य धारा के दोनों ओर, इन्हें रेफरेंस पिलर या मेन पिलर के नाम से कहा गया। लेकिन आज के टाइम में ये आपके देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं आप, बिल्कुल खेतों के बीच में आ चुके हैं। एक के यहाँ पे स्कूल भी बन चुका है, क्योंकि इसका अवैध खनन की वजह से जो यमुना नदी की धारा है उसकी डायरेक्शन बदलती गई और लोगों का कब्जा यहाँ पर होता गया और यह विवाद बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 20 राज्यों में किए गए सर्वे में हरियाणा कौन से नंबर पर है? तो हरियाणा 17वें नंबर पर है। और वही हरियाणा के 44% लोगों ने माना कि कोई भी कार्य करवाने के लिए रिश्वत दी जाती है। और वही केरल इसमें 20वें नंबर पर है, यानी केरल में सबसे कम करप्शन है, केरल में 10% लोगों ने माना। और वही राजस्थान पहले नंबर पर है, राजस्थान में सबसे ज्यादा करप्शन है, 78%। तो ये आपको केरल, राजस्थान और हरियाणा की पोजीशन, ये तीनों याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्णा सर्किट के दूसरे चरण में 6 जिलों के कितने तीर्थ स्थलों को डेवलप किया जाएगा? तो ये 12 तीर्थ स्थल डेवलप किए जाएंगे। और वही श्री कृष्णा सर्किट के दूसरे चरण में 6 जिलों के 12 तीर्थ स्थलों को डेवलप किया जाएगा, इसके लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एक बार सभी 12 तीर्थ स्थल देखते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, डायरेक्ट आपके तीर्थ स्थलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र जिले के अमीन, पिहोवा, थानेसर, ज्योतिसर और अष्टकोशी तीर्थ स्थलों की परिक्रमा, तो ये आपको याद रखना है, अष्टकोशी तीर्थों की परिक्रमा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल जिले में व्यासस्थली कहां पर है? करनाल जिले में कैथल में, फरल में फल्गु तीर्थ। वही जींद जिले में रामराय में रामहर्थ तीर्थ, पिंडारा में सोम तीर्थ, सफीदों में सर्पडामन तीर्थ। तो ये रामहर्थ तीर्थ किस जिले में स्थित है? जींद जिले में। तो आपको इनके जिले जरूर याद रखने हैं। पांडव मंदिर कहां पर है? नूह जिले में स्थित है। और सिंक में तरणतुक्ष यक्ष, और ये तरणतुक्ष यक्ष ये कहां पर है? पानीपत जिले में। तो ये सभी आपको नाम याद रखने हैं तीर्थ स्थल के, और इनके जिले आपको जरूर याद रखने हैं, एग्जाम के लिए जिले इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिता श्योराण किस खेल से संबंधित है? तो ये रेसलिंग से संबंधित है, यानी कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में अनिता श्योराण ने 68 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और वही अनिता श्योराण सोनीपत की बहू, यानी सोनीपत जिले में इनकी शादी हुई है, और ये भिवानी जिले की बेटी है। तो आपको ये दोनों जिले भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के काठमांडू में हुए साउथ एशियन गेम्स में वॉलीबॉल में भारत ने किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो यह गोल्ड मेडल जीता है नेपाल को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन गेम्स में वॉलीबॉल में किसकी कप्तानी में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी निर्मल तंवर। और भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल तंवर हरियाणा में कहां की रहने वाली है? तो यह हरियाणा के पानीपत जिले से बिलोंग करती है, और यह पानीपत जिले के आसन कला गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार के केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने घोड़े और सूअरों से
मनुष्य में होने वाली किस बीमारी का पता लगाने के लिए अलाइजा नाम की विशेष किट तैयार की है। तो यह बीमारी है जापानी बुखार या इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी फीवर या जापानी बुखार या इंसेफ्लाइटिस किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है और इस बीमारी में दिमाग में सूजन आ जाती है और बुखार के साथ बार बार उल्टी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय कहां पर है? तो यह है दुधौला पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय में कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? तो इस विश्वविद्यालय में अब जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में करीब 10 वर्षों में 16,000 तालाबों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो आने वाले 10 वर्षों में कितने तालाबों का पुनरुद्धार किया जाएगा? 16,000 तालाबों का, जिनमें से प्रथम चरण में एक साल में कितने तालाबों का जीर्णोद्धार होगा? तो पहले साल में 1,800 तालाब ठीक किए जाएंगे और आने वाले 10 सालों में 16,000 तालाब ठीक किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जनगणना 2021 का प्रथम चरण यानी आवास सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य कब से कब तक संचालित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 1 मई 2020 से 15 जून 2020 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन और पार्ट टू के तहत रखी गई महिला कर्मचारियों को अब कितने महीने का मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी? तो यह 6 महीने की अवकाश की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग और किसके बीच एक सहयोग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह किए गए हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग और अर्बन टेक स्वीडन के बीच में। नेक्स्ट, आपके एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटरनेशनल जीके के हैं लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को भी जरूर याद करें। इसमें पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है जोजी बिनी तुंजी ने। और वहीं जोजी बिनी तुंजी किस देश की रहने वाली है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री यानी सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है सना मारिन। और वहीं सना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया मालेखा नियंत्रक या सीएजी ये बनी है यानी कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सोमा राय बर्मन को। और सोमा राय बर्मन 24वीं मालेखा नियंत्रक बनी है और वहीं 7वीं महिला ये बनी है। वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।